राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू रोटी खा ले, भूख लगी है तुझे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, तू खाना खा ले। उसने खाना खा लिया और कहा कि अब वापिस चार उस लड़की को कह दे कि अपना सारा सामान उठा के और इस नगर को आज ही त्याग दे, रात के 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा, ये भी बता देना और कहना कि ये किसी को नहीं बताना, अगर बता दिया तो बात बिगड़ जाएगी। अब वो बच्चा आया, डर भी लग रहा है कि जिसने आटा दिया उसी को कहूं कि तू नगर त्याग दे, इससे बड़ी बुरी खबर उसके साथ के लिए क्या होगी, पर साथ में गुरुदेव का आदेश और साथ में यथार्थता बताने के लिए चला गया। तब उसने कहा कि माई गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए तेरे ते, आटा रोटी तो नहीं खाई उन्होंने, मैंने तो खा ली, मेरे को आदेश दे दिया और उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपना सामान लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, सारे बच्चों को, सारे अपने गधों को, सब कुछ लेकर सामान चली जा और जहाँ तू रात के समय रुक, तुझे रात्रि हो जावे, शाम हो जाओ, वहीं रुक जाना, तू वहीं बहुत अच्छा तेरा खानदान चलेगा, वहीं तेरा बसेरा हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है और रात के 12 बजे के बाद ये नगर विनाश को प्राप्त होगा, ये मेरे गुरुदेव का श्राप लग गया इसको। उसमें वो संत जन, वो भगतजन जानते थे कि संत जो कर चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके पास सिद्धियां होती हैं। वो कुमारी ने अपना सारा सामान उठाया, कपड़ा लाद कर चल पड़ी, जहां श्याम हो गया वहीं रुक गई, रात्रि के समय वो सारा का, जब सारे अंदर सो रहे थे, रात्रि के समय एकदम भूकंप का झटका आया और सभी विनाश को प्राप्त हो गए, एक भी नहीं बचा। और सुबह के लोगों को पता चला कि क्या हो गया, वहां नगर विनाश हो गया, सब ढूंढने गए, वहां कुछ सब की मृत्यु होगी, उन लाशों को जलाया जुलाया। फिर उनसे पूछा कि माई तू कौन है, कहां से आई, यहां कैसे बैठी है। उन्होंने बताया भाई मैं ऐसे ऐसे से नगर में रहा करती थी और वो सारी कहानी बताई। उस पर इतनी हमदर्दी होगी आसपास के नगर निवासियों की, उसका वही मकान बना दिया, उसको कई किले जमीन दे दी और बड़ा खुश हुए और वहां फिर एक पूरा नगर बस गया। तो नेकी ने ये कथा सुनाई अपने पुत्र सेव को और कहा बेटा ये नगर विनाश हो जाएगा अगर आज संत रोटी खाकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा है और इनका अनादर ये काल भी नहीं माफ करेगा, इस नगरी को विनाश कर देगा, ये काल ही कर देगा, क्योंकि ये परमात्माओं के परमात्मा है। अगर कोई राजा के साथ बदतमीजी कर दे तो उस अक्षेत्र के अधिकारी उनको बहुत सजा देते हैं, ऐसा ही समझना। तो संबंध सेव ने कहा मां मैं फिर जरूर चोरी करने हम जाएंगे और हम नहीं खाएंगे, संतों को खिला देंगे, ये नगरी बच जाएगी। कहा बेटा ऐसा ही है। ये सोचकर सम्मन पिता और सेव पुत्र दोनों के दोनों रात्रि के 12 बजे चोरी के लिए चले। एक सेठ की दुकान, पहले कच्ची छोटी ईंटों की और कच्ची होती थी दीवारें, उसमें जाकर के सुराख बना लिया, एक सेंध लाई, इतना सुराख बनाया कि उसमें आसानी से आदमी लंबा लेटकर अंदर घुस जा और ऐसे वापस आ जा। उसमें सम्मन ने कहा पुत्र सेव तू बाहर बैठा रहे, मैं अंदर जाता हूं पुत्र, और यदि मैं पकड़ा जाऊं तो मैं उस आटे को बांध कर चादर में बगा फेंक दूंगा इसके अंदर से, और तू उठाकर भाग जाना, गुरुदेव को खाना खिला देना, उनको बताना नहीं कि मैं पकड़ा गया हूं, नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे, और जल्दी खाना खिला करके सदगुरु को प्रस्थान करवा देना, कहीं यहां बेइज्जती ना हो जान की। अब सेव कहता, पुत्र कहता अपने पिता से, पिताजी मैं बच्चा हूं और यदि मैं पकड़ भी लिया गया, मैं जाऊंगा अंदर चोरी करने, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा जानकर मुझे माफ भी कर देंगे और आपको माफ नहीं करेंगे, ये फांसी तक तोड़वा देंगे, ये सेठ बहुत पैसे वाला है और राजा तक इसकी पहुंच है। सम्मन ने कहा बेटा अगर तो मर गया तो मैं इस जीवन का क्या जी कर करूंगा बेटा, नहीं मैं जाऊंगा। तब सेव ने कहा नहीं पिताजी, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ऐसा कहते ही सेव ही उस सुराख के अंदर से पुत्र सेव और चोरी करने घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा ज्यादा नहीं लाना, केवल 3 सेर आटा, हम नहीं खाएंगे, अंदर जाकर
सेव ने ऐसे अंदाजा सा 3 सेर आटा लिया, अपनी फटी पुरानी चादर में उसको बांधा और चलने की तैयारी की, तो एक तराजू के ऊपर तराजू का दूसरा पलड़ा रखा हुआ था लोहे का। जो ही अंधेरे में उस तराजू के पैर पर पैर टिका, वो एकदम जोर से उछल के उसी पलड़े पर दोबारा गिरा। बहुत जोर की आवाज हुई। इतने में सेठ वही सो रहा था, वो जाग गया और चोर चोर करके शिव जब निकलने लगा ना, उसको पकड़ लिया, पैर से पकड़ लिया मजबूती से। इतने में सेऊ ने अपने वो चादर में बंधा हुआ आटा उस सुराख के अंदर से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी मेरे को बनिए ने पकड़ दिया और आप आटा ले जाओ, गुरुदेव को भोजन खिलवा देना और बताना नहीं उनको। अब उस सेठ ने उस पुत्र सेऊ को, समन के पुत्र सेऊ को, उसको शिव भी कहते हैं, शिव अपभ्रंश सेऊ बोला जाता था, हम सेऊ ही बोल रहे हैं, सेऊ को थंब यानी खंभे से बांध दिया। एक पिलर होता है, लकड़ के होते थे, उस थंब का पिलर का खंभे का बांध दिया रस्से तक। अब सम्मन लेकर के आटा घर पर पहुंचा, नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है, तो सम्मन ने कहा कि उसको बनिए ने पकड़ दिया और थंब से बांध दिया। अब नेकी ने सोचा कि लड़का पहचाना जाएगा, लोग नगर के कहेंगे कि इनके गुरुजी जो आते हैं ये चोरी करवाने आते हैं, ये पक्के चोर हैं, ये चोर की माँ हैं, इसलिए इनको सजा दो और कहीं हमारे गुरुदेव को कोई यहाँ पर हाथ ना उठा दे और इनकी बेइज्जती ना कर दे और बच्चा पहचान में ना आवे, ऐसा कोई तरीका ढूंढा। नेकी ने अपने पति से कहा अपने पुत्र की गर्दन काटने के लिए, सम्मन से कहा नेकी ने कि तलवार ले जा और पुत्र की गर्दन काट ले, एक बार प्यार से बाहर गर्दन निकलवा लेना और फिर गर्दन काट लेना, सिर को उठा के ले आना, कोई पहचान ना सके कि किसका पुत्र है। सम्मन कर्द लेकर गा और जाते ही कहा, बेटा शेऊ एक बार दो बात करनी तेरे कान में, बहुत जरूरी है। पुत्र सुबह तो ना जाने हम मिलेंगे ना मिलेंगे, क्योंकि ये राजाओं के राज हैं, ना जाने आपको फांसी सजा दे दे या मुझे भी दे दे। बेटा एक दो बात करनी है, एक बार गर्दन बाहर निकाल ले। उधर से सेऊ के मन में यही आया कि परमात्मा देख कौन का कौन कहानी बनी और मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो दाता कि मेरी गर्दन काट ले, मैं पहचान में ना आऊं, नहीं तो गुरु जी की बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा सोच रहा था, इतने में सम्मन ने कहा कि पुत्र मुझे एक बार दो बात करनी है तेरे से, सिर बाहर निकाल ले। सेऊ ने कहा बनिए से, सेठ से कहा कि लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, दो बात करनी है, मुझे बात कर लेने दो। तो सेठ ने कहा कि तू भाग जागा चोर, तुम भगत बने फिरा करते थे, अब पकड़े गए ना तुम्हारी, कहते हमारे गुरुजी बड़े शद्ध हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, आज देख ले पता लग गया था रियासलित का, ये चोरी करवाने आते हैं और देखना अब नवाब के पास जाऊंगा सुबह, तुम्हारे गुरु जी को भी तुमको सबको इकट्ठी सजा मिलेगी। अब सेऊ कहने लगा सेठ जी कुछ भी कह ले, तेरी सब सुननी पड़ेगी मुझे, पर एक दया कर दे, मैं अपने पिताजी से दो बात कर लूं। कहने सेठ ने कहा तू भाग जाएगा, सेऊ ने कहा मेरे पैर का रस्सा ढीला कर दे लेकिन बांधे रख, बिल्कुल ना खोलना, केवल इतना ढीला कर दे मैं गर्दन बाहर निकाल लूं और बात कर लूं। अब सेठ जी ने सोचा भी कोई बात नहीं कर लेने दे बात, ऐसे रस्सा ढीला कर दिया, सेऊ ने सिर बाहर निकाला और पिताजी क्योंकि बाप था हाथ आगे को नहीं आया गर्दन काटने के लिए, तलवार को लको लिया पीछे ने और चुप हो गया, बोला नहीं। तब सेऊ ने कहा पिताजी यदि तू मेरा बाप है आज मेरा एक वचन मान ले, पिताजी मेरी गर्दन काट ले, पिता गुरुदेव की बेइज्जती होगी, ये कह रहा कि कल नवाब के पास जाऊंगा और तुम्हारे गुरुजी को तुम्हें कठी सजा दिलवाऊंगा, वो चोरी करवाने आए हैं, पिताजी मेरी गर्दन काट दे, अगर तू मेरा बाप है आप मेरे पिताजी हो तो आज पता लग जाएगा, नहीं अब मैं आपका बेटा नहीं हूं, आप मेरे बाप नहीं। इतनी बच्चे के मुख से इतनी कड़कदार आवाज सुनकर इतनी हिम्मत देख तो उसकी हिम्मत बिटगी, एकदम जोर से कर चलाई और लड़के की गर्दन काट दी और उठाकर शीश को ला करके वहां नेकी के को दे दिया
और नेकी ने उसको ताक में धर दिया, अपने पुत्र के सिर को और अपने हाथ से एक ताक में बंद करके यानी अलमारी में, और उसको बंद कर दिया कोई देख ना ले। नेकी ने कहा कि वापस फिर जाओ और वहां पर वो सेठ जी उस धड़ को नहीं रखेगा, वो कहीं डाल के आएगा, छुपा के आएगा, उसके निशान जा रहे होंगे घसीट के उसके घिसाट जहां से वो निशान बनते हुए गए होंगे, ले गया खेच के ले गया होगा, वहां से उस शव को उठा ला, धड़ को उठा ला। अब जो ही वापस संबंध देखा तो लाला जी ने तो सेठ ने वो बच्चा घसीट को एक पजोवे में डाल रखा जहां पर मटके मुटके बना करते कुम्हार, उसमें उस वहां डाल के आ गया और अपने घर को लीप डाप के ऐसा ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई नहीं थी। उसने सोचा कहीं ये कत्ल का मुकदमा और ना लग जाते रहे। सम्मन जाके अपने बेटे की लाश को धड़ को उठा के घर ले आया और एक कोठे में गहरे कोठे में अंदर जाकर डाल के ऊपर कपड़े कपड़े डाल दिए। और नेकी नेकी ने कहा कि रोना नहीं है, समन से कहा लड़के की मां ने नेकी ने अपने पति से कि रोना नहीं है नहीं तो गुरुदेव खाना नहीं खाएंगे। आटा बनाया रोटी बनाई और बखत से गुरुदेव से कहा भगवान खाना खाओ, आपने श्याम ने भी नहीं खाया था। जानी जान परमात्मा आकर के बैठ के एक लाइन में गुरुदेव का आसन लगा है, भक्तों का बिछौना बचा है जैसा भी फटा पुराना था, तीनों एक पंक्ति में बैठे हैं, आगे तीन कसोरों में तीन दोनों में मिट्टी के कटोरे होते हैं, मिट्टी के मटकों जैसी मिट्टी के, ऐसे तीन दोनों में भोजन रख दिया। कबीर साहब ने कहा इसको छह में करो भाई, क्योंकि तीन तो कबीर साहब और दो उनके शिष्य और साथ में वो तीन शिष्य समन से और ने की सोचकर कहा कबीर साहब ने कि छह में कर दो इसको सारे भोजन को। अब नेकी और सम्मन करबद्ध होकर कहते हैं प्रभु आप भोजन पाओ, हम तो बाद में पाएंगे। कबीर साहब ने कहा भी देखो आज तो प्यार के साथ इकट्ठे ही खाएंगे, एक ही बार खाएंगे, आ जाओ बैठ जाओ। अब उन्होंने पांच दोनों में कर दिया, कबीर साहब ने कहा नहीं छह में कर दो, अब बोले नहीं कहीं पता ना लग जा, और पूछेंगे तो कह देंगे बच्चा कहीं खेलने गया होगा। अब छह दोनों में छह कटोरों में मिट्टी के कटोरों में कसोरों में डाल करके भोजन और तीन पांचों के पांचों विराजमान हो गए। तब कबीर साहब ने कहा कि आजा बेटा सेऊ, आजा सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और बेटा सिर कटते हैं चोरों के, तुम तो संत हो, इनके सभी अक्षेम यानी माँ उनकी तुम रक्षा होती है, बचाव होता। इतना ही वचन किया था कबीर परमेश्वर ने, उस ताक से वो शीश उठ गए और उस धड़ पर जुड़ गए और जीवित होकर सेऊ और पंगत में आकर बैठ गया। बोलो कबीर परमेश्वर की जय। अब माता पिता हैरान, उसकी गर्दन से ऐसे कपड़ा हटा कर देखे उसका निशान भी कोई ना। गरीबदास जी ने बताया कि सेवू धन पर शीश ढा और बैठा पंगत मां और नहीं गहरा गर्दन का यू ओ सेवू अकना। हे मालिक, माता पिता भी असमंजस में हो गए कि यू वही सेवू है कोई और है, इसको तो निशान भी नहीं है। अंदर जाकर देखा तो ना धड़ है ना शीश है, और केवल वहां पर थोड़ा थोड़ा लहू पड़ा है, खून पड़ा है। तीनों चरणों में दोनों के दोनों कबीर परमेश्वर के चरणों में गिर गए और कहा दाता अब कहोगे ना, अब के ये दास आपके लिए गर्दन देगा और धन तो हमारे पास है नहीं। तब कबीर साहब ने आशीर्वाद किया कि बेटा तुम धनाढ्य हो गए। कबीर साहब चले गए। एक दिन सम्मन के मन में प्रेरणा आई कि इस यहां के दो दीवार है अंदर से मकान की, एक बीच में दीवार थी, इसको निकाल के और ये खुला बना लेता हूं। द्वार को खोदने लगा, नीचे एक मटका पैसों से भरा हुआ पूरा उतना बड़ा माठ मिला, चांदी के सिक्के असरपी मोहर, अर्थात कहने का भाव ये है कबीर परमेश्वर ने वहां वो दंड दाब दिया, प्रभु जो चाहे सो कर दे। और एक नंबर का सेठ उसी जीवन में वो सम्मन हो गया। लेकिन फिर भी जो अपने हाथ से पुत्र को काटा था वो उसके हृदय से भुलाया नहीं गया, और मन में ये आता रहा अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना बेटा नहीं काटता।
मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना पुत्र नहीं काटना पड़ता। वो तो उसी चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ कर, यानी वो जीवन ऐसे ही बिताया उसने, लेकिन वो कुर्बानी प्रभु के नाम की खाली नहीं जाती, अपने गुरुदेव के नाम पर नेकी और सेव। माँ बेटा तो उसी जन्म में पार हो गए, लेकिन सम्मान गृहस्थी अपना मुखिया होने के कारण अपने मन में ये कल्पना बनाए रखा रहा आखिर सांस तक के मैं जुल्म किया, मैंने अपना बेटा काटना पड़ गया, इतना मेरे पास धन होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। ऐसे करते करते उसकी मृत्यु होगी। नेक्स्ट जन्म उसका एक नौ शेरखा नाम का और नौ शेरवा नगर का बादशाह बन गया। वही सम्मन अगले जन्म में नौ शेरवा नाम के एक शहर का और नौ शेरखा नाम का एक बादशाह बना। भगवान ने पिछले कुर्बानी के आधार पर कबीर परमेश्वर ने उसको बहुत धन दे दिया, बहुत धन दे दिया। उसके पास इतना धन था उससे राजा के पास के 80 गंज खजाने पीर के दिए खजाने गेर, यानी इतने खजाने 80 गंज, एक गंज में अरबों का संपत्ति होता है और उसकी एक निशान बनाकर वहां पर नीचे दाब दिया जाता। ऐसे 80 गंजों के निशान दबे हुए थे और ऊपर झंडे लगे हुए थे। सबको मालूम था कि राजा के पास इतना धन है, लेकिन कंजूस इतना हो गया था कि 2 पैसे दान नहीं करता था। और यह जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है ये माया, फिर यही रह जाती है और ये खाली हाथ चला जाता है, भविष्य की कोई कमाई नहीं बनती। कबीर परमेश्वर एक महात्मा जिंदा का रूप बनाकर गए, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए और कहा कि महात्मा जी कुछ दान दो, कुछ धर्म किया करो, कुछ दान किया करो। तब उसने कहा महात्मा जी से, नौ शेर खां ने कहा कि महात्मा जी दान तो कर दूं, लेकिन मैं तो कंगाल राजा हूं, मेरे पास पैसा ही बहुत कम है। साहिब ने कहा कि ये देखो आपने, ये कितने आपके पास तो सब खजाने दबे हुए हैं, ये 80 गंज आपकी ये निशा यानी ये धजा फरफा रही है, आपके झंडे लगे हुए हैं। राजा ने कहा कि ये तो मैंने कोयले दाब रखे, सिर्फ भ्रम बना रखा, दुनिया को ये बना रहे कि मेरे पास पैसा है, लेकिन ये तो कोयले हैं। कबीर साहब ने कहा जैसी तेरी वृत्ति ऐसा ही ये कोयले ही हो जाएंगे बेटा, तेरी यही नीत है। तो ऐसा कहकर के कबीर साहब चल पड़े। वो गए होंगे 0.5 किलोमीटर, राजा के मन में आया कि साधु का वचन सफल होता है, कहीं ऐसा ना हो ये बात बिगड़ गई हो, कोयले हो गए हो। उसी समय उसने खुदवा कर देखा तो सब कोले हो गए, राजा पागल हो गया और भाग लिया, गिर लो सैनिकों को लेकर के महाराज के चरणों में गिर जाओ, रोक लो उसको। अब सैनिक गए, राजा गया, चरणों में गिर गया, दाता अक्षमा कर दो, अक्षमा कर दो। कबीर साहब ने कहा कि इनमें से 80% तो बांटे, धर्म करे तो मैं इसको बख्श दो, नहीं तो तेरे गए। अब उसने सोचा भाई चल ठीक है, महात्मा जी कह रहे हैं कुछ तो बचेंगे। कबीर साहब ने कहा ठीक है, वो कहने लगा जैसे आप कहोगे। कबीर साहब ने कहा कि पहले उपदेश लो, नाम लो फिर दान करना। नाम दिया और फिर कहा इसका भंडारा कर दे बेटा, तेरी जान का जाड़ हो जाएगा। अब धीरे धीरे राजा ने यानी 50-60-70% उसका सबका भंडारा कर दिया, कर तो दिया, फिर मन में खोट आ गया। फिर याद आया पीछे थे तो भी पागल है, एक महात्मा के कहते गुरु जी के कहते इतना दान किया करते हैं, हाँ तो भर ली थी, कर देता 20% बाकी रख लेता और फिर अच्छी शादी करवाता, घोड़े लेता, ठाठम ठाट करता, बताइए क्या किया मैंने। उसके मन में अंत में ये भरमना रहेगी, वो फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसी दान और नाम के प्रभाव से और पिछले सम्मन के समय की हुई कुर्बानी के प्रभाव से उसका नेक्स्ट जन्म फिर मनुष्य का हो गया। ऐसे शुभ कर्मों के आधार पर यह परमात्मा मिलता रहता है, उसके शुभ कर्म बढ़वा देता है, उसकी भजन भक्ति करवा देता, मनुष्य शरीर बनते रहते हैं। और तीसरा जन्म अब्राहिम अधम सुल्तान नाम से बलक शहर के अंदर एक बहुत बड़े धनाढ्य राजा के यहां पर उसका जन्म हुआ। अब्राहिम सुल्तान अधम उनका पूरा नाम था। अब वो बहुत धनाढ्य राजा था,
लेकिन कंजूस इतना था कि दान नहीं करता था, और श्रद्धा प्रभु की भक्ति, क्योंकि जन्म जन्मांतर की भक्ति करता हुआ आ रहा था, आस्था प्रभु में बहुत थी, संतों से मिलता था, संतों का आदर भी करता था। एक दिन उन अब्राहिम सुल्तान अदम के साथ एक नकली संत ने धोखा कर दिया। वो नकली संत था, राजा बहुत धनाढ्य था। राजा ने एक अंगूठी बनवाई जिसमें लाखों रुपए का हीरे और पन्ने जड़े हुए थे। अब उस ठग संत की दृष्टि राजा की अंगूठी पर होगी कि इसको कैसे इसे लूं। राजा ज्यादातर उसके पास, संत के पास जाते थे, और वो ठग संत ने ऐसी ही अंगूठी बनवा दी, एक सुनारत है, नकली नकली नगों की, और राजा से कहा कि आज नौका विहार करने चलते हैं। और वो अंगूठी उसने छुपा के अपने एक उसमें पात्र में रख ली, लोटे में, और नौका विहार के लिए राजा और वो संत, नकली संत और साथ में एक नौका चलाने वाला नौका विहार कर रहे हैं। अब उस ठग ने, संत ने देखा कि राजा ये क्या अंगूठी कैसी है आपकी, उसने दिखाना मुझे कैसी है। राजा ने कहा ये 1,00,000 रुपए के नग वगैरह लगे इस पे, ये रिंग जो है। तो उसने कहा दिखाना मुझे, संत ने कहा दिखाना। अब देखता रहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी, वाजीवा। राजा का थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ, इतने में वो अंगूठी अपने वाली तो हाथ में ले ली, और वो राजा वाली उस अपने करमंडल में डाल ली, और राजा से कहा कि बहुत कीमती है ये, लगता है जी 1,00,000 रुपए का सामान लगा इस पे। ऐसे दिखा करके दरिया में फेंक दिया कि संतों के काम नहीं होते सोना चांदी, हम तो राख होती है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, भाई कमाल की बात है, तो संत के कमाल का चाला है, ये तो देखता भी नहीं सोना चांदी की तरफ, और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। वापस आ गए। एक दिन उस नकली गुरु की, नकली चेले की बिगड़ गई, उस गुरु के शिष्य की और उसकी आपस में कवा सुनी होगी, और वो दोनों बिगड़ गई। यहाँ कबीर साहब कहते हैं गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलने दाव, और दोनों डूबे बापड़े चढ़ पत्थर की नाव। अब उस नकली संत के शिष्य ने जाकर के राजा अब्राहिम सुल्तान अधम को बता दिया कि आपकी जो अंगूठी थी उस मेरे गुरुदेव ने दरिया में नहीं डाला था, उसने आपके साथ धोखा किया है, और उसने एक नकली अंगूठी मेरे से बनवाई थी आप ही की अंगूठी को देखकर, तो मेरे गुरुदेव ने आपकी ओरिजिनल अंगूठी तो स्वयं ले ली थी, छुपा ली थी, और अपनी नकली अंगूठी आपको दिखा करके धोखा देकर दरिया में डाली थी। राजा को यकीन नहीं हो रहा है, वो शिष्य कहता है जी मैं आपको सत्य बताता हूं, और वो लोभी लालची व्यक्ति है, उसने आपकी अंगूठी को वहां दबा रखा है अपनी कुटिया में, और कहो तो मैं आपको चल के दिखा सकता हूं। राजा को विश्वास नहीं हो पाया कि ऐसा नहीं हो सकता, इनकी कोई वैसे कहा सुनी होगी, पर ये झूठ बोल रहा है शिष्य। शिष्य ने कहा जी वो नकली अंगूठी मैंने एक ऐसे ऐसे सुनार से बनवाई थी, उससे पता करवा लो। तो उससे पता करवाया, तो उसने बताया जी हाँ नकली एक अंगूठी मैंने बनाई थी, और इन्होंने कहा था कि राजा की अंगूठी के तुल बनाना है जिससे आपने बनवाई थी। वो सुनार से जब राजा ने पूछा तो उसका विश्वास हुआ कि वाक्य कोई न कोई गड़बड़ अवश्य है। तब राजा उस शिष्य के साथ उस नकली संत के आश्रम में अचानक पहुंचा, और शिष्य ने जाते ही बताया कि ये यहां दबा रखी है, साथ में सैनिक सिपाही थे, अंग रक्षक राजा के, और जो ही जाकर वो स्थान खोद कर देखा तो वो अंगूठी वहां मिल गई। राजा को बड़ा दुख हुआ, कार्य पाखंडी, दुनिया को तुम ऐसे ठगता फिरता है।
उसी समय उसको कैद में डलवा दिया और चक्की पीसने की सजा दे दी। उसके बाद राजा का हृदय उठ गया, दिल टूट गया, इन नकली संतों से उनका विश्वास समाप्त हो गया। राजा ने सब जगह ये कहला दिया कि जो भी आसपास कोई संत मिले उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। फिर भी प्रभु से डरने वाले व्यक्ति होते थे, राजा के मन में यही आया कि पहले मैं उनसे प्रश्न करूंगा और मेरे प्रश्न का उत्तर ढंग से नहीं देंगे तो उनको कैद में डाल दूंगा। ऐसे ही कई सैकड़ों की संख्या में संतों को कैद में डाल दिया राजा ने, और ये सिलसिला काफी समय से जारी रहा। एक समय की बात है कि राजा के महल के पास में किसी गरीब व्यक्ति के यहां पर कोई भक्त आत्मा, संत आत्मा सत्संग कर रहे थे। रात्रि के समय राजा की आंखें निद्रा भंग होगी, आंखें खुली, ऊपर छत पर टहलने लगा और ऊपर से फिर प्रभु की चर्चा का एक विशेष आनंद उसको आने लगा। सिपाहियों से कहा, अपने नौकरों से कहा कि यहां कुर्सी डाल जाओ और तुम नीचे जाओ। राजा ने रात्रि में सत्संग सुना, वो पिछली जो कसक थी वह प्रभु की भक्ति का जो संस्कार दबाव दबा हुआ था वो फिर उनके सत्संग की प्रेरणा से फिर वो एकदम जाग उठा। राजा को बहुत अच्छा लगा और एकदम प्रभु की तड़फ उठी। राजा को लगा कि ये संत कुछ अच्छे लग रहे हैं, इनसे प्रभु की चर्चा करूंगा। अपने सिपाहियों को भेजा कि जो ये सत्संग कर रहे हैं सभी संतों को, भक्तों को कहो कि राजा ने आपको आमंत्रित किया है। राजा का संदेशा पाकर के सभी संत व भक्त जो सत्संग कर रहे थे आए हुए थे राजा के उस दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने पूछा कि रात्रि में आप बहुत अच्छी सत्संग कथा सुना रहे थे, अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में, आपने प्रभु पा लिया, और यदि तुमने पा लिया है तो मुझे भी दिखाओ वो कैसा है अल्लाह। अब सब असमंजस में पड़ गए कि राजा का तो बहुत सख्त नियम है, ये तो उत्तर नहीं मिला तो अंदर डाल देगा ये हमें, हमारे को। एक समझदार सा संत खड़ा हुआ, उसने कहा कि राजन ऐसे बात है कि एक थोड़ा सा दूध मंगाओ। राजा ने दूध मंगवा दिया गिलास में चीनी डाल के, यानी बूरा डाल के, और वो संत उस गिलास में ऐसे उंगली डाल रहा है और देख रहा है और कह रहा है राजा तुम्हारे दूध में घी नहीं है। कहते हैं दूध में घी होता है। राजा पहले तो हंसा, कहने लगा नादान। राजा ने कहा अरे नादान, तुझे यही नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है, तू काहे का भगवान को ढूंढेगा, काहे का तूने भगवान पा रखा होगा। और बताया कि दूध को पहले गर्म किया जाता है, गर्म करके उसको ठंडा किया जाता है और फिर उसमें कुछ खट्टा डाला जाता है, लस्सी या दही थोड़ी सी, और फिर वो दही बनता है। दही बनने के बाद उसको रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, उसका मंथन किया जाता है और फिर वो घी निकलता है, मक्खन, और फिर उसको गर्म करके निथारा जाता है, उसको ताया जाता है और फिर शुद्ध घी बन जाता है। समझा, ऐसे बनता है दूध से घी। तब उस संत ने कहा कि भगवान ए राजन, जैसे दूध से घी निकालने का एक विशेष तरीका होता है, विधि होती है, ऐसे ही प्रभु पाने का भी एक विधि और तरीका है। हम संत बतावे, कोई संत मिले पूरा वो बतावे और तो आप करोगे तो वो वस्तु बनेगी। जैसे दूध से घी बन गया, दूध में से घी निकल गया।
राजा ने इस बात का बड़ा महसूस हुआ कि ये तो बस चापलूस लोग होते हैं और जवाब देना खूब जानते हैं। राजा ने कहा कि इसको अंदर डाल दो, इन सभी को कैद में डाल दो। ऐसे लगभग कहते हैं 300-350 उन संतों को कैद में डाल दिया, भक्तात्माओं को। सभी भक्तात्मा राजा की कैद में रो रहे हैं, याद कर रहे हैं प्रभु तेरे मार्ग में दुख ही दुख आ रहे हैं, हे दाता ये कौन से कर्म की सजा हमें मिली। उसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सतलोक से आकर राजा के महल के ऊपर एक रहबारी का रूप बनाकर, जैसे ऊंटों वाले होते हैं वो, ऐसा रूप बनाकर बड़ी सी पगड़ी डबल धोती सी ऐसे, और राजा के रेजिडेंशियल पैलेस रहने के मकान का रिहायशी मकान के ऊपर, और सुबह सुबह ऐसे ठोक मारे एक लठी की, हाथ में लठ ले रखा और ऐसे ठोक जोर जोर से मारे। राजा ने कहा कि ये कौन ऊपर शोर कर रहा है, किस चीज की आवाज है, सिपाहियों पता करो। ऊपर जाके सैनिकों ने देखा तो वहां पर एक व्यक्ति वहां डंडा मार रहा था, लाठी से खुड़क आवाज कर रहा था। उसको पकड़ के नीचे ले आए और कहा राजन ये था ऊपर। राजा ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे ऊपर, कौन हो आप। कबीर परमेश्वर ने उस ऊंटों वाले के भेष में के रूप में, व्यक्ति रूप में खड़े थे, कहा कि बादशाह सलामत मेरा एक ऊंट गुम हो गया, मैं ऊंटों वाला हूं, कारवान हूं, और अपने ऊंट की तलाश में आया था, सोचा शायद आपकी छत पर मेरा ऊंट ना बैठा हो। पहले तो राजा हंसा और कहा रे नादान, ऊंट कभी छत पर हो सकता है, ऊंट तो कहीं जंगल में होगा, वहां ढूंढना था बुद्धू कहीं का। तब कबीर साहब ने कहा कि जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता, महल की छत पर ऊंट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं चढ़ सकता, अति असंभव, क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसे ही जैसे आप प्रभु की तलाश कर रहे हो इन बकवादों से, संतों को भक्तों की आत्मा दुखा रहे हो, ऐसे आपको कभी परमेश्वर नहीं मिल सकता। ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा को चक्कर आ गया कि ये कोई फरिश्ता था, कोई अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर था, मैंने जुल्म कर दिया, मेरे से गलती होगी। बेहोश हो गया राजा, और फिर मंत्री एकत्रित हुए, रानियां आ गई, वैद बुलाए, जंतर मंत्र करने वाले ओझा बुलाए। राजा होश में आया, जंतर मंत्र करने वालों ने एक ताबीज बांध दिया राजा के बाजू में और कहा कि अब कभी नहीं ऐसा होगा, ये कोई प्रेत आत्मा की फटकार थी। राजा तो होश में आ गया। उधर से कबीर साहब उसी दिन उसी समय कुछ समय के उपरांत उस कैद में पहुंचे, उस कारागार में पहुंचे जहां पर उन भक्त आत्माओं को पीड़ित किया जा रहा था, उनसे चक्की चलवाई जा रही थी। कबीर साहब ने जाकर कहा सैनिकों से, जेल में के रक्षकों से, कहा कि मेरी भी सजा तुम्हारे राजा ने कर दी और मैं भी सजा भोगने के लिए आपकी कैद में आया हूं। वो सैनिक कहने लगे तैं बड़ा शरीफ आदमी, भाई आप ही आ रहा है। कहा जी मेरी सजा कर दी राजा ने और मैं आ गया। कहा कि ठीक है। सैनिकों ने कहा कि ये चक्की है और तो भी पीस बैठ के आटा पीसो। कबीर साहब ने कहा भी देखो एक काम करेंगे हम, चाहे तो आटा पिसवाओ हमारे से, चक्की चलवा लो, और चाहे इसमें कनक डलवा लो, हम एक काम करेंगे, हम आटा पीस चक्की पीसेंगे तो आप सैनिक इसमें वो कनक डालोगे, दोनों काम हम नहीं करेंगे।
अब सैनिकों ने सोचा, सिपाहियों ने, कि ये तो बड़ा उग्रवाद दिया है भाई, क्रांतिकारी, इसको करते हैं ठीक। कहने लगा, सिपाहियों ने कहा कि ठीक है, तुम चक्की पीसो और हम कनक डालेंगे। सिपाहियों ने सोचा कि पहले अच्छी अच्छी कनक डालेंगे, ज्यादा ज्यादा, और जब इनसे चक्की नहीं चलेगी तो लठ लगाएंगे, इनका डंडे लगाएंगे, इनको सजा डबल देंगे। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है। सभी भक्तों से, सभी संतों से, भक्तात्माओं से कहा कि तुम सभी खड़े हो जाओ अपनी अपनी चक्कियों के पास। और कबीर साहब ने कहा कि तुम चक्कियों में कनक डालने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर साहब ने अपनी चक्की जो उनके सामने थी, उस चक्की का एक डंडा होता था, किल्ला बोलने उसको, उसको ऐसे पकड़ के हिला चलाया करते थे हाथ से। वो एक खुट्टी सी होती है, एक डंडा सा होता है, पत्थर के पार्ट के ऊपर फिक्स होता है, होता था, अब तो कम होगी। कबीर साहब ने उस किले का, उस डंडे का, जो चक्की का डंडा जिसको पकड़कर घुमाया करते हैं, उसके अपनी एक सोटी लगा दी डंडी। उस डंडी से ऐसे कहा कि चल चक्की, सारी चक्कियां चलो। अपने आप वो चक्कियां घूमने लगी, अपने आप ऐसे खखाट उठ गया, और सैनिक देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, चक्की आप ही चल रही है। कबीर साहब ने कहा उन जितने भी संत भक्त आत्मा कैद में थे कि तुम आंखें बंद करो। जो ही सभी ने आंखें बंद किया, फिर आवाज आई कि आंखें खोलो। आंखें जब खोली तो सभी के सभी महात्मा भक्त आत्मा जंगल के अंदर खड़े हैं। और कबीर साहब ने कहा कि यहां से भाग जाओ, इस नादान के राज्य में फिर मत आना। सभी के सभी भाग गए, कोई चप्पल छोड़ गए, कोई भाग गया। कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब एक अतिथि का रूप बना, अर्थात एक यात्री का रूप बना के, रास्ते चलते अतिथि का एक रूप बना के, और राजा के महल में पहुंच गए। राजा से के महल में पहुंच गए और सिर पे एक पोटली सी रखी हुई, और जैसे देहाती सा व्यक्ति भोला भाला हो, ऐसा स्वरूप बना के राजा के महल के रहने के, यानी रेजिडेंशियल प्लेस के अंदर पहुंच गए, जहां राजा स्वयं विराजमान था। और आगे पहरेदार भी थे, लेकिन उन पहरेदारों को कबीर परमेश्वर दिखाई नहीं दिए। राजा ने पूछा, भाई तू कौन है, यहां कैसे आ गया? कबीर साहब ने कहा कि मैं ऐसे किसी शहर में जाना था, गांव में, और मुझे देर हो गई है, शाम का समय हो गया है, वहां मैं पहुंच नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि इस शहर में आज रात्रि बिताऊं और सुबह जाऊं, तो मैं यहां आपकी इस धर्मशाला में, आपकी इस सराय के अंदर रात रुकना है। एक कमरा बता दे और उसका किराया बता दे धर्मशाला वाले। राजा से कबीर परमेश्वर एक भोला भाला सा रूप बनाकर कह रहे हैं कि इस तेरी धर्मशाला में, तेरी सराय में, इस होट रेस्टोरेंट में एक कमरा दे दे मुझे, और उसका रात्रि का किराया बता दे, क्या लेगा। राजा पहले तो हंसा उसके बोलेपन पे, कबीर साहब के बोलेपन पे। राजा ने सोचा ये नादान है, बोलेपन में आ गया। कहने लगा, नादान, ये कोई सराय थोड़ी है, ये तो राजा का राजमहल है, दिखाई नहीं देता तुझे? तो कबीर साहब ने कहा कि आपसे पहले इस राजमहल में कौन रहते थे? अब राजा ने कहा कि मेरे पूर्वज रहा करते थे। और वो कहां गए, तेरे पूर्वज कहां गए? वो तो कबीर साहब ने पूछा। राजा, अब्राहिम सुल्तान अधम ने उत्तर दिया, वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। आप कितने दिन रहोगे राजन इस महल में? अब जब अपनी मृत्यु का नंबर आता तो भय बहुत लगता है। राजा ने कहा कि जाना तो हमने भी पड़ेगा, जाना तो हमें भी है एक दिन। तो कबीर साहब ने कहा कि नादान, तो इसको राजमहल समझता है, तो ये सराय है,
जैसे तेरे मात पिता चले गए, तेरे बाप दादा चले गए, पर पीढ़ी चली गई, ऐसे ही बेटा तू चला जाओगा। इसलिए मैं इसको धर्मशाला सराय बता रहा हूं। वह तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, वह भी रहे सरा में गिद्दी, सराय के अंदर नादान इसी में रहे। ऐसे मैंने ये महल सरा बताई, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने ये महलों को सरा बताई। इतना कहकर और कहा कि तू दो प्रभु को भूल गया नादान, इस दो दिन के राज और पाठ में 84 में जाएगा और गधे की जूनी पाएगा। ऐसा कहकर के कबीर परमेश्वर अंतर ध्यान हुए। अब राजा को फिर चक्कर आ गए। विनम्र आत्मा होते हैं पर प्रभु के भक्त बेशक राजा बन जावे उनमें दिल बहुत कम होता है, विनम्र होता है। इतने में बेहोश हो गए, फिर होश में लाए, ओझा आए, वैद आए, सारे काम के। अब ओझा ने यानी दूसरे ने ताबीज दूसरी बाजू का बांध दिया। एक कर तो पहले बंधा हुआ था, दूसरी का ताबीज और बांध दिया कि अब इसको कोई दुख दिक्कत नहीं। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब एक भैंसे को लेकर, भैंसे को, और कबीर साहब एक भैंसे को लेकर राजा के राज दरबार में पहुंच गए, जहां पर वो बैठकर न्याय करते हैं या अपना दरबार लगाते हैं, सैन्य मंत्रियों से सलाह मशवरा करते हैं। वहां पहुंच गए और राजा बोला, भी तू कैसे भैंसे समेत कैसे आ गया? कबीर साहब ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूं। कबीर साहब ने कहा, उसने राजा ने कहा कि क्या बोलो, उत्तर दो। कबीर साहब ने कहा कि आपने पूछा है कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि भगवान कैसा है, अल्लाह कैसा होता है, उसको दिखा दे तो मैं मान जाऊं। आखा मेरा ऐसा ही प्रश्न है, आप बताओ और दिखाओ। कबीर साहब ने उस भैंसे की कमर पर थपथपा दिया और कहा कि भैंसाराम बताए इसको, अल्लाह कैसा होता है। तब भैंसा बोला कि राजा ये परमेश्वर खड़ा है, और जो कुरान शरीफ में कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, वो कबीर परमेश्वर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर विश्राम किया, ये वो परमात्मा है। इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए। राजा फिर बेहोश हो गया। फिर बुलाए जंतर मंत्र करने वाले, और एक न गले में तबीज बांध दिया। उसके बाद क्या होता है, राजा बहुत मायूस रहने लगा कि ये क्या जीवन है, और प्रभु अल्लाह की प्राप्ति नहीं हुई तो ये राजपाठ 2 दिन का। ऐसा सोचते सोचते फिर काफी समय बीत गया। एक राजा क्या करता था, दिन के समय दोपहर में 1-2 घंटा अपने 9 लक्खा बाग में विश्राम किया करता था। उस बाग में एक उनकी बहुत सुंदर पलंग लगा हुआ था। उस पलंग की रोजाना कपड़ों को झाड़ के दोबारा नई चादर आदि बिछाना, और उसके आसपास फूलों के गुलदस्ते, उस बाग से तोड़ के सुगंधित फूलों के गुलदस्ते लगाना, वहां बांदियों का, सेविकाओं का एक ड्यूटी लगा हुआ था, उनकी बारी लगी हुई थी प्रतिदिन। राजा के काफी रानियां थी, 16,000 रानी बताते हैं राजा के, इतना ऐश्वर्यवान और बदमाशी पे लगा हुआ था। और बांदियों की ड्रेस अलग से होती थी। कबीर परमेश्वर ने एक दिन एक बांदी का दासी का रूप बनाया, नौकरानी का, और राजा के उस बाग में जाकर उनकी बहुत सुंदर सेज बनाई, पलंग के ऊपर खूब अच्छी सजावट की, और फिर उसके चारों तरफ गुलदस्ते लगाए, और स्वयं उस चारपाई के ऊपर, उस पलंग के ऊपर लेट कर सो गए, उस दासी यानी नौकरानी के रूप में। राजा जब सोने के लिए, विश्राम के लिए आया, तो उसने देखा कि बांदी और मेरी सेज पे इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, दिमाग खराब हो गया इसका।
राजा ने आव देखा ना ताव देखा, एक कोड़ा उठाया कोड़ा, और कबीर परमेश्वर के कमर पे बांधी समझ के तीन मारे ऐसे जोर जोर ते। कबीर साहब उठे, एक बार तो रोए बहाना सा किया रोने का, और फिर हंस हंस के लोट पोट हो गए हंसते हंसते। अब राजा ने सोचा कि ये बांदी हंस रही है, एक कोड़े में घोड़ा भी गिर जावे, इतने जोर से कोड़े तीन लगाए, हंसने का तो तात्पर्य ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हंस क्यों रही है, कैसे हंसी। राजा ने बांदी का कबीर परमेश्वर का हाथ पकड़ा और कहा कि बांदी तू हंस क्यों रही है। कबीर परमेश्वर ने कहा कि राजन, मैं इस तेरी गंदी सेज पे एक घड़ी सोई थी, एक घड़ी अर्थात 22 मिनट मैं इस तेरी घड़ी पर सोई थी, और इसका मुझे ये प्रतिफल मिला कि तीन कोरडे की सजा मिली। मैं यूं हंस रही हूं कि तेरे साथ क्या बनेगी बच्चू, जो तू रोज सोए इस पे, इसी गंदी सेज पे, जिस पे दो घड़ी सोने की इतनी भयंकर सजा कि तीन कोरडे मुझे लगे, और मैं यूं हंसूं बेटा तेरे साथ क्या बनेगी, तू रोज सोए तेरा बक्कल उतरेगा, ये दो दिन का राज और पाठ तू अंधा हो गया, प्रभु भूल गया, अल्लाह को भूल चुका है। इतना कहकर बांदी अंतर्ध्यान होगी, यानी कबीर परमेश्वर अदृश्य हुए। अब राजा बेहोश हो गया, 2 घंटे में होश में आया, बिल्कुल मायूस हो गया, और ये राजपाट जहर दिखाई देवे, ना काम काज को दिल करे, हरदम मायूस सबना हुआ बैठा रहे। रानियों ने सोचा कि ये तो काम से जाएगा, और हो सके कहीं राज न त्याग दे, इसको तो कोई ऐसा झटका लग रहा है। रानियों ने मंत्रियों से कहा कि आप राजा को एक हफ्ते के लिए कहीं ले जाओ पिकनिक पर, वहां बाहर शिकार खेलने ले जाओ। सभी 2-4 मंत्री और साथ में सैनिक और राजा, राजा से प्रार्थना की कि आप बाहर घूमने चलते हैं राजन, आप हमेशा यहाँ पर मायूस से रहते हो और आपका वहां दिल ठीक हो जाएगा। राजा ने स्वीकृति दे दी, बाहर चले गए एक हफ्ता के लिए। वहां जाकर के पड़ाव लगा दिया, सारे काम हो गए, सुबह शिकार के लिए चले। दोपहर हो गई, 12-1 बज गया, लेकिन कोई ही भी शिकार हाथ नहीं लगा। इतने में एक मृग, एक हिरन आया। राजा ने कहा कि ये मृग, ये हिरन नहीं जाना चाहिए किसी के किसी भी कीमत पर, यदि जिसके पास से चला गया तो उसकी खैर नहीं है, ऐसा उन्होंने राजा ने आदेश दिया। कृपा प्रभु कबीर साहब की, वो जो हिरन था वो राजा के घोड़े के नीचे से निकल गए और भाग लिया। अब राजा शर्मिंदा हो गया कि अब किसको कहूं, स्वयं ही उसके पीछे घोड़ा लगा तोड़ा दिया अंधाधुंध, और निकल गया को 15-16 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों में, गहरे जंगल में। इतने में वो मृग एक झाड़ी की ओट पाकर के अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया, राजा ने खूब देख लिया। उधर से राजा को और घोड़े को बहुत प्यास लग गई, इतनी प्यास लग गई कि 10 मिनट यदि जल नहीं प्राप्त हुआ तो दोनों मर जावे, घोड़ा भी और राजा भी। राजा ने याद किया, या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, आज जान बख्शो परवरदिगार, हे मालिक, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा सोचता हुआ राजा वापस चला। आधा किलोमीटर चलते ही क्या देखता है कि एक बहुत सुंदर बगीचा, उसके बीच में सुंदर सरोवर और फलों से लदपद वृक्ष, और एक जिंदा महात्मा रूप में एक साधु, मुसलमान साधु बैठे हैं और झोपड़ी डाल रखी है, और साथ में 3 कुत्तों को लिया हुआ है।
बहुत सुंदर कुत्ते, और एक कुत्ता बांधने की, तीनों कुत्तों को बांध रखा है बेलता चैनता लोहे की चैनता है, और एक लोहे की चैन कुत्ता बांधने वाली वो खाली वहीं पर रखी हुई है। राजा ने पानी पिया, कुआ भी बना हुआ था, राजा ने कुएं से पानी पिया, घोड़े को तालाब में पानी पिलाया, वृक्ष से घोड़े को बांध कर राजा ने सोचा ये साधु बहुत सुंदर कुत्ते लिए हुए है, ये इतने कुत्तों का क्या करेगा, क्यों ना इससे दो कुत्ते ले लेता हूं। ये सोच करके कबीर परमेश्वर के पास जिंदा महात्मा के रूप में जो बैठे थे उनके पास आकर सलाम वालेकुम किया और कबीर साहब ने प्रत्युत्तर दिया। तब राजा ने पूछा हे महात्मा जी ये तीन कुत्तों का तू क्या करेगा, इनमें से दो मुझे दे दे। कबीर साहब ने कहा जिंदा के रूप में के कहा कि ये कुत्ते भैया ऐसे देने के नहीं है, ये कोई ऐसे वैसे कुत्ते नहीं, ये राजा थे पहले, एक राजा थे हकान जी। अब कबीर साहब ने क्या किया कि उनके सामने बड़े सुंदर पदार्थ रखे हुए खाने के लिए, हलवा भी खीर भी रोटियों के ऊपर रखी हुई है और सबके सामने रखे हैं, लेकिन उनको खाने नहीं दे रहे हैं कुत्तों को। कबीर साहब ने कहा कि ये तीनों के तीनों पहले इस बलख बुखारा शहर है ना जो, ये इसके राजा थे ये, और जो अब ये जो है अब जो वर्तमान में बैठा है ना गद्दी पर वो राजा, इस बलख बुखारे के बादशाह का राजा है, ये उसका पिता है, ये उसका दादा है, ये उसका परदादा है, और इसलिए भाई ये न्यू देन के को ना। और बताऊं ये जो खाली कुत्ते बांधने की ये बेल रखी है ना, ये बताऊं क्यों रखा है। अब जो वो राजा है उसकी जब मृत्यु होगी, अब वो तो खूब मस्ती में घूम रहा है, वो भगवान नहीं बज रहा, अल्लाह को याद नहीं करता, वो सोच रहा है कि तेरी ऐसी ही मौज बनी रहेगी। अब वो जब मरेगा वो कुत्ता बनेगा और उसको फिर इस बेल से बांधूंगा, और अब मैं इनको ये खाना चाहते हैं, ये देखो हलवे रखे हैं खीर रखी है, इनका दिल करता है कुत्ते ऐसे खाना चाहते हैं, कबीर साहब उनके ऐसे बेल मार देते हैं, वो रोते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कमबख्तो जब भगवान भजा नहीं, ये हलवे खा खा कर मौज मारी, दिन खो दिए, वो वक्त समाप्त कर दिया मानुष जीवन का, तुमने सोचा था तुम सदा राजा रहोगे, ये सोच कर ऐसे कह के उनको फिर सुंगल मारने लगे। अब इतना लीला देख कर अब्राहिम सुल्तान एकदम उस जिंदा महात्मा के चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर खूब रोता है कि ये वही हो ये वही परमेश्वर है जो मुझे रह रह कर चेतावनी दे रहे हैं, मुझे चेता रहे हैं, मैं अंधा मान नहीं रहा इनकी बातों को। एक घंटा तक रोता रहा, एक घंटे के बाद जब ऊपर देखा और प्रार्थना की परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो, देखा तो वहां पर न तो जिंदा महात्मा और ना ही वो कुत्ते और ना ही वो बगीचा और ना वो जल ना सरोवर, कुछ भी नहीं है। तब अब देखा कि पानी पी रखा और घोड़े के पैर गिले, ये कैसे माने कि स्वप्न है या छूट थी या मेरा कोई भ्रम था, इतना मायूस हो गया कि ये तो बात बिगड़ गई। वहां से चल पड़ा घोड़े पर सवार होके और जाके अपने सैनिकों से और मंत्रियों से बोला नहीं, इतना मायूस हो गया, ऐसे ही सारा किया कि आ जाओ उठाओ सारे सामान को। 10 मिनट में सब सैनिकों ने अपना सामान लाद के और राजा के साथ प्रस्थान कर दिया। जब शाम को वापस आए तो रानियों ने पूछा कि क्या बात हो गई, इतना शीघ्र कैसे आ गए मंत्रियों, आपने तो एक हफ्ता में आना था। तो मंत्रियों ने बताया कि ना जाने इनके साथ क्या हुआ, अकेले एक हिरण मृग के साथ दूर चले गए, हमारे से बहुत दूर चले गए।
और वापस आए तो इनकी स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई थी कि ये तो बोले भी नहीं और हमारे को कहा इशारा किया कहो। राजा अपने कमरे में जाकर बैठ गया। अब रानी अंदर गई, जो बड़ी रानी होती है, साथ में मंत्री बुला लिए, दो चार सैनिक समझदार से वो भी आ गए। राजा से रानियों ने प्रार्थना की कि राजा आप ऐसे ही सोच रहे होते हो, ये तो ऐसे ही दिखते रहते हैं, आप कहते हो मुझे ऐसा दिखा मुझे ऐसा दिखा, ये कोई सत्य थोड़ी होती है, और आप मनुष्य होकर राजा होकर घबराते हो, हमें तो कुछ नहीं दिखता है। अब राजा कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं दिखता होगा पर मुझे जो दिख रहा है, अब मुझे दिखने लगा है, मुझे मैंने जो देखना चाहिए था। इतने में एक कुत्ता आता है, कुत्ता डॉग, उसके सिर में कीड़े पड़े हुए, जख्म गहरा हो रहा और उसमें जीव चल रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, नोच रहे हैं उसको। आके उस कुत्ते ने और अब्राहिम सुल्तान अदम के सामने खड़ा होकर के ये शब्द कहे कि अब्राहिम मैं उस फला नगरी का राजा था, रियासत का, और मैंने जो जुल्म किए भाई, मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि प्रभु की भक्ति बहुत जरूरी होती है, और मेरी मृत्यु उस अमोक राजा के साथ युद्ध में हुई थी। इस बात का ज्ञान अब्राहिम को था कि उस नगरी के राजा की मृत्यु किसी उस राजा अमोक राजा के साथ, यानी कोई राजा था उसके साथ मृत्यु लड़ाई में हुई थी। तो कुत्ते के कुत्ता बोल रहा है कि अब्राहिम तेरा सु अवसर है, अपनी जान बचा ले, ये दो दिन का राज है और फिर ऐसी दुर्गति होगी, ढूंढा नहीं मिलेगा, ये जीवन अनमोल है भाई, तेरे ऊपर रेम है प्रभु का, आपके साथ वो रह कर चल रहा है, कोई विशेष पुण्य है तेरा जो प्रभु तेरे लिए इतनी कोशिश कर रहा है, तू सो रहा है नादान। इतना कहकर के वो कुत्ता तुरंत वापस भाग गया। अब अब्राहिम ने कहा कि देखो तुम कह रहे थे ना झूठ बोल रहा हूं, आप जाओ सारे बाहर निकल जाओ। कमरे से सभी को बाहर कर दिया, अंदर से सांकल लगा ली, रात के समय काला मुंह कर लिया अपना, कालस लगाई और केवल एक साल होता है ऐसे बांध लिया, कोई कपड़ा नहीं दिया, और रात ने बाहर से कमंद डालकर बैक साइड से रस्सा डालकर उसे उतर कर और खिसक गया। लगभग 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रातों रात ने सफर कर दिया। पैरों में केवल जूती थी और कुछ नहीं साथ रखा था, और वो दोनों जूते इतने कीमती थे कि एक जूते की कीमत 1.25 लाख रुपए, अर्थात इतने हीरे और पन्ने जवाहरात जड़े हुए थे। राजा को जब सूर्य उदय हुआ तो राजा को भूख लगी, क्योंकि पैदल कभी चला नहीं था, छे काजू और किशमिश के हलवे खाया करता था, बहुत जोर की भूख लगी। सामने कबीर परमेश्वर ने एक बेरी का बाग का बगीचा बनाया अपनी लीला तय, और स्वयं ही मालन बनकर बेर बेचने वाली बन गई, और बहुत सुंदर मोटे मोटे बेर और एक टोकरे में रखे हुए। राजा ने कहा मालन बेर दे दे और इसकी कीमत बता दे। बालन ने कहा कि एक आने का, पहले एक आना होता था और 16 आने का एक रुपया होता था चांदी का, अब उस चांदी के रुपए की लगभग 90 और 100 रुपए कीमत है, एक आना देख लेना कितना होगा, 16 लगभग 6 रुपए का समझो, एक आना 6 रुपए का, 6-7 रुपए का एक आना समझो। उस आने की कीमत आज की 6 रुपए समझो। तो मालन ने कहा कि एक आने के शेर अर्थात किलो, लगभग किलो, एक किलो बेर मिलेंगे। राजा ने कहा कि मालन मेरे पास आना नहीं है, मेरे पास ये जूती है, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए है, और मैं यही दे दूंगा, मैं बहुत भूखा मर रहा हूं, मुझे एक शेर बेर दे दे, इस पूरी जूती के बदले में दे दे, पूरे एक जूते के बदले में दे दे। मालन ने कहा ठीक है, चाहे आना दे और चाहे जूता दे, बेर तभी मिलेगा। मालन ने ऐसा कहकर के शेर बेर तोलने लगी, तोल करके कहा ले डला,
अब अब्राहिम ने अपने साल का ऐसे पल्ला किया, एक बेर नीचे गिर गया पल्लड़े में। अब अब्राहिम कहता है ये मेरा बेर है, मालन कहती है ये बेर मेरा गिरा है, तेरा नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ बेर के बारे में ऐसे पकड़ लिया, शोर मच गया। अब ज्यादा लंबा ना करके मैं ये कहना चाहता हूं कि उस मालन रूप में आए प्रभु ने कहा कि नादान, 1,25,000 की पावड़ी, पावड़ी कहते हैं खड़ा हूं जूता, 1,25,000 की पावड़ी, 1 पैसे का बेर, और देख अदम सुल्तान ने भाई कैसे डाली मेरी। उसी समय मालन के रूप में परमेश्वर एकदम मानव रूप बना के कहने लगे, नादान तू क्या राज छोड़कर आया, एक एक बेर के ऊपर लड़ रहा है और 1,25,000 रुपए की जूती डाल दी, तेरी बुद्धि कौन से कहां बिकी हुई है, 1 पैसे के बेर के ऊपर तो लड़ाई कर रहा है और 1,25,000 रुपए की जूती डाल रखी है, नादान तू क्या राज त्याग कर, तेरे अंदर ये मैं और मेरी तो चौकी चौं भूस भरा हुआ है। ऐसा ही तो ऐसी लड़ाई राज पे, ऐसी लड़ाई बेर पे, ऐसी लड़ाई शेर पे, और ऐसी लड़ाई कुत्ते करें टूक पे यानी एक ग्रास रोटी पे, और सुअर करें टट्टी पे, लड़ाई तो बिरा लड़ाई ही है बच्चा। ऐसे सोच के चरणों में गिर गया कि दाता मेरे पर गलती होगी। कबीर साहब ने कहा कि तू उपदेश ले, अब तो सीधा हो गया। कबीर साहब ने प्रथम उपदेश यानी पान परवाना जिसे कहते हैं, पेय पदार्थ यानी जल के माध्यम से या दूध के माध्यम से कबीर साहब देते हैं, या नारियल का जल निकालकर, नारियल में शुद्ध जल होता है, पवित्र जल होता है, क्योंकि उसमें बाहर की हवा गंदी नहीं लगी होती, उस पर कुछ मंत्र बोल करके आरती सी करके वो पानी पिला देते हैं और साथ में एक मंत्र दिया जाता है, इसको पान परवाना कहते हैं। पान माने पेय पदार्थ के माध्यम से कोई शक्ति प्रवेश करना। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।